नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों आज की जो मार्केट पे जो एक ज़्यादा इतनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हमने आते हुए देखी है वो अनएक्सपेक्टेड मूव आई है जो कि बैंक निफ्टी को 7.5% और निफ्टी को 300 पॉइंट ऊपर तक लेकर क्लोजिंग करने में कामयाब हो गया। सो गाइस क्या इसका मतलब है कि अब मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, क्या मार्केट अब यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू कर देगी? तो उसके पीछे क्या रीजन्स है, मार्केट क्यों पीछे बढ़ी? तो आप लोगों को पता ही होगा कि कल एक्सपायरी है और जब मार्केट में इतने ज़्यादा शॉर्ट्स थे, हम देख रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में इतने ज़्यादा शॉर्ट थे, हर हम देखते थे राइज में मार्केट में गिरावट आ जाती थी, तो वो जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, वो जो माल अब बेचा जा रहा है एक्सपायरी के थ्रू, अब वहाँ देख रहे हैं वहाँ से एक रिकवरी आ रही है। पर बैंकिंग सेक्टर अभी भी वीक है और बैंकिंग सेक्टर में मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे स्टॉक्स वीक हैं। अब कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने एक बेस बना रहे हैं जहाँ से हम एक उछाल देख सकते हैं और अब शायद मार्केट एक रेंज के अंदर दोबारा जा सकती है। सो क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस। सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी मैं आप लोगों को टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस देता हूँ एक चार्ट पे एक्सप्लेन करने के बाद, हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर जो टारगेट होता है या वो टारगेट पे खुलता है शेयर मार्केट ओपन होते हुए, या फिर हम देखते हैं कि वो नीचे खुलता है स्टॉप लॉस पे। सो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं और ज्यादातर लोग हमारे इस वीडियो का ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर आप लोगों को जो स्टॉक्स हैं 5 स्टॉक्स आप लोगों को दिए जाएंगे, चार्ट्स पे आप लोगों को एक्सप्लेन करा जाएगा और गाइस उसके जो टारगेट और स्टॉप लॉस हैं लाइव मार्केट पे आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। जब उसका बाय प्राइस आएगा, जब उसका सेल प्राइस आएगा, तभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा जाके ज्वाइन हो सकते हैं गाइस, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। सो गाइस यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि हमारी परफॉर्मेंस आज की कैसी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा बैटरीज हमने देखा था बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पे खुला था और टारगेट से थोड़ा ऊपर ही खुला था, तो हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए। तो भी हम लोग अपना इस आज की जो हमने कॉल्स ली थी हम उसको नहीं मानते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर गाइज अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लाइव सपोर्ट प्रोवाइड होगा मार्केट पे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं। इस तरीके का हमारा गाइज प्रोफाइल पिक होगी और अराउंड 3200 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो गाइस ज़्यादा देर मत करिए क्योंकि लाइव मार्केट पे आप लोगों को टारगेट और स्टॉप लॉस यहीं प्रोवाइड होंगे, वीडियो पे नहीं होंगे गाइस। उसी के साथ आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अपना खुद का एक पेज बना रखा है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का। ये पूरा लर्निंग कंसेप्ट है, यहाँ पर आप लोगों को पूरा लर्निंग सिखाया जाता है। कल से मैंने यहाँ पर कंसेप्ट स्टार्ट करा है फ्लैग पैटर्न का, आप देख सकते हैं पूरे फ्लैग पैटर्न्स का। यहाँ पर मैंने ल्यूपिन का एग्जांपल डाला है, टाटा पावर का डाला है और ए टू जेड समझाया है कि किस तरीके से बुलिश फ्लैग पैटर्न के भी 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप के भी बुलिश फ्लैग पैटर्न होते हैं। ये आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा बट गाइज होते हैं। सो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर भी प्रोवाइड हो जाएगी, जाके सभी भी ज्वाइन हो सकते हैं। गाइज ज़्यादा देरी नहीं करते हम लोग, सीधा चार्ट्स में बढ़ते हैं और वहीं पर ही हम लोग एनालिसिस करेंगे और जो भी टारगेट स्टॉप लॉस होंगे आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले गाइस हम लोग बढ़ते हैं निफ्टी पे और निफ्टी पे देखेंगे कि निफ्टी पे आज क्या हुआ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी पे हमने देखा था कि ये जो लेवल था, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे हमने आप लोगों को बोला था कि इसके ऊपर जाएगा बाय करिएगा, अराउंड हमारा टारगेट होगा 1। हमने आप लोगों को लेवल दिए थे कि 9080 के ऊपर बाय करना है, 9160 का हमारा टारगेट होगा जो कि एग्जैक्ट ये रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं यहाँ तक ही गया था। उसके बाद हमने और एक ज़्यादा मूव देखी है, ये अनएक्सपेक्टेड मूव थी, शायद ये इस तेज़ी से जो ऊपर गया है वो और कंटिन्यू ना भी हो पाए, तो हमें कल मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर ही ट्रेड लेना पड़ेगा। अब किस तरीके से आप देख रहे हैं गाइज, ये आप देख रहे हैं एक ट्रैंगुलर पैटर्न, इसने एक सिमेट्रिकल ट्रैंगुलर पैटर्न था और उसका यहाँ पर इसने हमने देखा एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर मैं इसके पैटर्न के टारगेट की बात करता हूँ गाइज, तो ये आप जो देख रहे हैं ना इतनी बड़ी जो रेंज है, एग्जैक्ट अगर मैं इसका रेंज यहाँ पर भी ले लेता हूँ तो यही वाली रेंज आ रही है, तो इसका अराउंड टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 9500 का निकल के आ रहा है। अब गाइस सीधी तरीके से हम रैली यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, शायद क्या हो सकता है कि यहाँ से कल वो एक डिप लेने की कोशिश करे, कल पूरे दिन ये यहाँ पर ही आए नीचे तक 9160 को दोबारा रिटेस्ट करने की कोशिश करे और यहाँ से जब ये पहले इसका रेजिस्टेंस था और यहाँ पर ये सपोर्ट बना के दोबारा उछाल करने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। अब गाइस ये बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है, अगर मैं बात करूँ तो ये देख रहे हैं ये गैप हुआ था, ये एग्जैक्ट अपने गैप तक भी आ चुका है जो कि ये वाला गैप है, तो हमें यहाँ पर बहुत कॉशियसली ट्रेड करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर गैप है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इस गैप को ऊपर हो सकता है कि ऊपर जाए अराउंड ये 9360 तक जाए, उसके बाद इस गैप को फिल करे और दोबारा नीचे आ जाए। तो गाइज ये गैप एक रेंज बन चुकी है, ये एक रेंज है, इस रेंज पे जब तक है तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये वाली रेंज आप देख रहे हैं, मैं इस रेंज को आपको बता देता हूँ, ये है 9260 से लेके 9360 तक,
ये 100 रुपए की रेंज में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर इसके नीचे आना शुरू करती है 9260 के नीचे, तो हम मान के चल सकते हैं कि जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो गाइस इस लेवल पे आ रहा है जो कि 9160 पे है। अब इसके ऊपर जाना शुरू करेगा तो हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो भाई अगर इसके ऊपर जाना भी शुरू करता है तो भी हम 9500 तक के लेवल्स तक के लिए एक बार बैठ सकते हैं। ये था हमारी निफ्टी के एनालिसिस। जो भी आपको लेवल्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सुबह प्रोवाइड हो जाएंगे किस तरीके से इसमें ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी पे आते हैं तो गाइस बैंक निफ्टी पे आप देखिएगा, ये देख रहे हैं गाइस आप यहाँ पर देखिएगा बैंक निफ्टी पे इस लेवल पे, ये लेवल था, इस लेवल पे हमने आपको बोला था कि यहाँ पर अपनी एक पोजीशन को बाय करके चलिए। जो हमारा टारगेट है वो ये वाली रेड लाइन है, ये रेंज देख रहे हैं, ये वाली रेड लाइन थी जो कि अराउंड आ रहा था 80,000 का लेवल। बट हमने जो क्लोजिंग देखी है वो गाइस 80,700 पे देखी है, तो 700 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोजिंग करी है। अब आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। अब ये कैसे होल्ड कर रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों को ना गाइस जूम करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर हम देखा था गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई थी एग्जैक्ट ये वाली। आप ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ना, ये एक सपोर्ट लाइन है ये ब्लैक कलर की। अब यहाँ देखिएगा इसको ब्रेक करा इसने यहाँ पर नीचे, जब ऊपर गया यहाँ पर आके देखिए इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही इस ब्लैक वाली लाइन को ब्रेक करा हमने देखा एक बहुत तेजी से डाउनफॉल देखने को मिली। ये देख रहे हैं जो इतनी बड़ी मोमेंटम आई थी डाउनफॉल की, ये अराउंड जो आई थी 700-800 पॉइंट की एक डाउनफॉल आई थी गाइस। उसके बाद हमने देखा ये इसके नीचे ट्रेड करते रहा। अब यहाँ पर इसने आप देखो यहाँ पर इसने डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन बनाया। मैंने आप लोगों को 3-4 वीडियो से आप लोगों को मैं ये लगातार सेम ये आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेरा टारगेट यही था, आप लोगों को मैंने अपनी वीडियो में भी और टेलीग्राम चैनल में भी बताया था। अब इसके ऊपर जा चुका है कोई बात नहीं, यहाँ पर एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ये देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा पूरा एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर हम देखा ऊपर गया, यहाँ पर एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला, यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला और उसके बाद हमने देखा नीचे आया। अब गाइस क्या हो सकता है कि जो एक रिजेक्शन लेवल है वो अराउंड आ रहा है 18,850 का। तो गाइस जब तक 18,850 के ऊपर जाके ये सस्टेन नहीं करता आधा घंटा, तब तक हम अपनी बाय पोजीशन को इनिशिएट नहीं करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो अराउंड होगा ये वाला लेवल, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो ये वाली लाइन है, तब यहाँ पर जा सकता है। बट गाइस कल एक्सपायरी है तो हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। तो लेवल्स जो भी मार्केट में मोमेंटम रहेगा उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। हो सकता है कि वो क्या करे, वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, यहाँ तक आए और दोबारा नीचे आ जाए और यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाए। गाइस जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया एग्जैक्ट बैंक निफ्टी में हो सकता है दोबारा नीचे जाए, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करे और दोबारा यहाँ से ऊपर जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। तो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो सबसे पहले स्टॉक की तरफ मैं बढ़ता हूँ वो है गाइस SBI का। SBI क्या बता रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ना ये गाइस सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। और गाइस ये सपोर्ट की जो लाइन है ये 7 साल से चलती हुई आ रही है और ये लाइन को इसने ब्रेक नहीं करा है SBI ने। सो गाइस ये जो लाइन का जो लेवल निकल के आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 150 का लेवल। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये ट्रेंड लाइन का भी इसने आज हमने एक ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, जो हायर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइंस को मैंने ड्रॉ करा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जी गाइस, यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है। ये नीचे आया और एग्जैक्ट ये यू शेप पैटर्न बना रहा है, ये देख रहे हैं यू शेप पैटर्न बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होते हुए देखा और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखा। अब बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, अब जो रेजिस्टेंस आएगा गाइस वो इस लेवल पे आएगा जो कि ये लेवल है। तो यहाँ तक ये मिनिमम मुझे लगता है कि 162 तक ये जा सकता है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। बट अगर आप इसमें आप अपना पोर्टफोलियो के लिए रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, एवरेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमने अपने क्लाइंट्स को ये 150 के अराउंड बाय की सजेशन दे दी है। गाइस मंथली चार्ट पे एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को ये लाइन क्यों बता रहा हूँ, ये देखिएगा गाइस, ये देख रहे हैं ये लाइन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस था, जब इसे ब्रेक करा ये 3 बार सपोर्ट और यहाँ पर दोबारा आ चुका है। तो गाइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 150 एक बेस्ट बाय बनता है SBI के लिए। आप बाय यहाँ पर बना सकते हैं और एवरेजिंग तो अपने आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है तो जो नेक्स्ट आता है वो अराउंड आता है 120 रुपये का लेवल, जो वहाँ तक जा सकता है। कोई बात नहीं जा सकता, तो हम अपनी एवरेजिंग दोबारा करेंगे, पर 120 तक आने की पॉसिबिलिटी जो है वो सिर्फ 10 से 20% तक की है। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट स्टॉक है, इसको भी आप रख सकते हैं और इंट्राडे के लिए भी आप लोगों के लिए बेस्ट स्टॉक है। तो गाइस हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं ग्रासिम। ग्रासिम में चार्ट पैटर्न क्या शो कर रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आई, यहाँ देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आई, स्ट्रॉन्ग अपमूव आने के बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ ये एक तरीके का पैटर्न बना रहा है,
ये देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आई और ये एक तरीके का इसने पैटर्न बनाया, तो इसे मैं कहता हूँ गाइस पीनंट पैटर्न। ये गाइस एक बुलिश पीनंट पैटर्न होता है, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को सिखाया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल का इसने ब्रेकआउट करा। अब जहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है ये अपने प्रीवियस हाई पे ले रहा है, ये जो आप हाई लेवल देख रहे हैं ये वाले हाई पे अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस ले रहा है जो कि अराउंड है 571 का लेवल। 571 का लेवल इसका प्रीवियस सपोर्ट है। बट आप यहाँ पर एक चीज को और ध्यान से देखिएगा, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये वाली आप जो रेड कलर की देख रहे हैं, जो हमने देखा था कि कल एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनी थी, वॉल्यूम्स आप देखिए किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। अपने प्रीवियस वॉल्यूम्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ, और आज की जो कैंडल बनाई है उसमें भी हमने देखा बहुत अच्छे से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। सो अगर ये 570 571 के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दोबारा और ऊपर तक जा सकता है और 620 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू पीनट पैटर्न टारगेट्स। तो इसको भी हम वॉच करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कामयाब होता है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टॉक आता है गाइस आईसीआईसीआई बैंक। इसमें क्या बना है, इसमें आप देख सकते हैं इस पैटर्न का जो हम कहते हैं गाइस ये साइफर पैटर्न होता है, ये बुलिश साइफर पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ सपोर्ट्स लिए, यहाँ सपोर्ट्स लिए, एग्जैक्ट इधर सपोर्ट लिए जो कि 290 के अराउंड था, और वहां से इसने एक अपमूव स्टार्ट करी। अपमूव स्टार्ट करने के बाद यहीं पर इसने एक अपना पैटर्न बनाया था जो कि साइफर पैटर्न है। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की, तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे ब्रेकआउट दिया, तो 290 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो ये भी आप अपने पोर्टफोलियो पे एवरेजिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको 300 रुपये के आसपास दोबारा मिलना शुरू होता है। अब आप देख सकते हैं कि इसने, मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी 300 रुपये पे बाय करने की सलाह दी थी और 310 रुपये का टारगेट दिया था जो कि अचीव हो गया था। अपने क्लाइंट्स को भी हम लोगों ने ये 296 के अराउंड बाय करने की सलाह दी थी, उनके भी टारगेट हिट हो गए थे। बट अभी भी ये गाइस एक बाय बनता है, कैसे बनता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो एक फिबोनाची रेशियो है एग्जैक्ट रेशियो आ रहा है 310 पे। तो अगर कल ये थोड़ा सा रिट्रेस लेने की कोशिश करता है और 310 के आसपास मिलता है तो एक दोबारा बाय बना सकते हैं, और जो मेरे टारगेट्स लग रहे हैं वो दोबारा 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, और जो कि ये जो हायर टॉप था ये देख रहे हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये इसे जैसे ही क्रॉस करेगा मुझे लगता है 226 326 तक के लेवल्स भी कल ये दिखा सकता है। तो जो भी टारगेट स्टॉप लॉस हैं आप लोगों को लाइव मार्केट पे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टॉक हमें बता रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचपीसीएल का भी एग्जैक्ट पैटर्न है। इस पैटर्न को गाइज हम कहते हैं बैट पैटर्न, ये बैट पैटर्न है गाइज। ये पैटर्न जो होते हैं ये हार्मोनिक पैटर्न होते हैं, बहुत रेयरली बनते हैं, पर जब भी बनते हैं तो अपने एग्जैक्ट बॉटम से अपमूव आती है, और ये बॉटम हमें फाइंड करने के बारे में पता चल जाए इस ये रेशियो में बताता है कि ये बॉटम बनने वाला है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो अभी हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है कि 236% रिट्रेसमेंट रेशियो के ऊपर जाके क्लोज होने में कामयाब हुआ है, और हमारा जो टारगेट आ रहा है वो एग्जैक्ट ये वाला टारगेट आ रहा है। ये देख रहे हैं जो एक बिग कैंडल आई थी, तो ये एक रेजिस्टेंस है। सो अगर आप लोगों को ये 183 184 के आसपास मिलता है तो एक बाय पोजिशन बना सकते हैं। 190 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिखा सकता है। तो इसके भी लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। लास्ट आता है गाइस सिप्ला। सिप्ला में क्या करना है मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग अपमूव आई, स्ट्रॉन्ग अपमूव आने के बाद हम देख रहे थे कि इस रेंज के अंदर ये बंद हो गया था, रेंज कैसे ने ब्रेकआउट दिया और ऊपर आ गया। बट आप लोग यहाँ पर ये चीज देखिएगा, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा इस यहाँ पर हमने जब नया एक फ्री ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करा तो हमने बताया था जब एक ब्रेकआउट आता है, ये लेवल पे ब्रेकआउट आया, ये वाली कैंडल पे ब्रेकआउट आया, तो ये हमें क्या बताता है कि हमें इस ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है। जैसे ही ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है हमें बाय करना है। तो बट ये सिग्नल क्या दे रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये क्लोज होने में कामयाब नहीं हो पाई जो कि अराउंड 640 का लेवल है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो पा रही है। बट अगर ये 625 के नीचे क्लोज करना शुरू करती है तो हम दोबारा एक डाउनफॉल देख सकते हैं। अब गाइस ये एक सेल के लिए बन सकता है। मैं आप लोगों को एक बात और दिखाना चाहता हूँ, इसमें मंथली चार्ट अगर मैं इसका ओपन करता हूँ तो मंथली चार्ट पे आप देखिएगा कि किस तरीके से, ये देखिए एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आई, स्ट्रॉन्ग अपमूव आने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन फेस करा, फिर एक अपमूव आई, यहाँ रिजेक्शन फेस करा, और देखिए स्ट्रेट मूवमेंट आई है। तो गाइस जब एक स्ट्रेट मूवमेंट आती है और अगर वहाँ पर इसका ब्रेकआउट लेवल होता है तो स्ट्रेट मूवमेंट में ये ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है। अगर ये ऐसे ऐसे ऊपर जाता तो मान भी चल सकते थे कि इसको ब्रेक कर सकता है, बट अगर ऐसे ही ऊपर जा रहा है तो शायद इसको ब्रेक ना करे, और ब्रेक करे भी तो यहाँ पर एक फॉल सिग्नल मिलकर दोबारा नीचे आ जाए। तो यहाँ पर एक सिग्नल हम सेल जनरेट कर सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि इस लेवल तक ही दोबारा लेकर जा सकती है जो कि 560 तक का लेवल है। तो वेट करेंगे, शायद ये हमें जून में एक फ्यूचर शॉर्ट करने में हमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकती है। बट ये एक फार्मा स्टॉक है,
तो हम इसमें अभी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दे सकते शॉर्ट के बारे में, तो जो भी टेलीग्राम पे चैनल पे न्यूज आएगी वो सब आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को अभी वाइंड अप करना चाहता हूँ। आपको अगर पसंद आया तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहीं पर ही सुबह आप लोगों को टारगेट शॉर्ट स्टॉप लॉसेस प्रोवाइड होंगे। उसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लर्निंग जो भी फॉर प्रोफेशनल लर्निंग चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड होने वाली है। सो मैं आपसे मिलता हूँ गाइस कल नेक्स्ट वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।